बारिश में अच्छा लग रहा है आपको? लाइट भी चली गई। अभी बज रहे हैं रात के 1 और देख सकते हैं रात के 1 बजे जो है क्रियांश क्या कर रहा है। अभी कुछ देर पहले ही सो करके उठा है और खेले हुए जो है लगभग हो गया है 15-20 मिनट और मोबाइल में ढूंढ रहा है टॉकिंग टॉम। तो क्रियांश को आज ही उससे इंट्रोड्यूस करवाए हैं और इतना ज़्यादा एडिक्टेड है उससे कि पूछिए मत। तो हमने सोचा कि यह इसके लिए अच्छा नहीं है वरना यह मोबाइल में ही घुसा रहेगा। तो हमने जो है बंद कर दिया है और क्या कर रहा है, कैमरा खुल गया, फ्लैशलाइट जला दिया, बेचारे से जो हो पा रहा है कर रहा है, अपना वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा है। अच्छा, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। वाह क्रियांश, वाह वाह, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। ओए ये तुम देखते देखते ये क्या करने लग गया, तुम बंद हो गया है। वाह। जी कल के ब्लॉग में मैं कमेंट देख रहा था कि आपका भैया दाढ़ी बाल सब जो बहुत बड़ा हो गया है, प्लीज आप जो है शेव करवा लीजिए, हेयर कट करवा लीजिए। जी हम भी सोच रहे हैं कि कितने दिनों से शेव करवाएंगे, हेयर कट करवाएंगे, लेकिन होता क्या है कि आजकल हम सो करके उठते हैं लेट, क्योंकि क्रियांश रात में अच्छा खासा जगा देता है। तो उठते उठते ही जो है हमारा 9 बज जाता है, फिर उसके बाद ब्रश करते, फ्रेश होते, कुछ नाश्ता करते 10 बज जाता है और उस समय तक जो है सैलून में भीड़ हो जाती है अच्छी खासी। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, मेरा हर दिन जो है यही टलते जा रहा है हेयर कट से। सोचते हैं कि अगले दिन सुबह में कटवाएंगे और फिर एक बार सोचता है कि चलो अब शाम में करवा लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि शाम में अपना काम रहता है और काम की वजह से हम निकल नहीं पाते हैं। शाम के 5 से रात के 9 तो बिल्कुल फ्री नहीं रहते हैं, इतना ज्यादा उस समय रहता है कि 1 मिनट का भी समय नहीं होता। देखिए जी कब मौका मिलता है और कब जाते हैं सैलून। क्या चल रहा है? सब खड़ा होने की बारी है, हो गया खड़ा। ओए ओए जी, कैमरा चाहिए, कैमरा चाहिए इसको। व्लॉगिंग करेगा तुम भी? व्लॉगिंग पापा, व्लॉगिंग। वो बोलती थी ना फ्लाइंग बिस्ट की जो बेटी थी राशि, पापा व्लॉगिंग, पापा व्लॉगिंग। होय 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 होय, टिक 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 टिक, हां दिंगी हां दिंगी। ये देख खरगोश, 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 ए खरगोश। अब क्रियांश तो अपने आप को देख रहा है कैमरे में। कैमरा लेना है इसको, ऐसा कोई सामान है जो नहीं लेना है। कैमरा तो कोई खास बात नहीं, बड़ा चीज है, लेकिन छोटा से छोटा सामान किसको चाहिए। क्या रे लड़कन, क्रियांश। अभी बाहर आए हुए थे जी दूध लेने के लिए, दूध तो ले लिया और मौसम देख रहे हैं जबरदस्त करवट ली है मौसम ने। कल से जो है मौसम अच्छा खासा एकदम ठंडा हो चुका है, मतलब इस तरह का मौसम हो चुका है कि मुझको कल पंखा बंद करके सोना पड़ा, क्योंकि पंखा जब खोल करके रखे हुए थे ठंड लग रही थी और सबसे मेन डर लग रहा था क्रियांश के लिए कि उसको ना ठंड लग जाए, जो सर्दी जुकाम कुछ लग जाए। पतिदेव सोए हुए थे, अभी उठ के बैठ गए हैं। बिल्कुल जी, खबर ही है शादी।
जिया के फोन पर मैसेज आया हुआ था कि लॉगिन का कोड आया हुआ है, क्योंकि उसने जो है डबल स्टेप वेरिफिकेशन लगा रखा है, तो हमें लगा कि कोई लॉगिन का अटेम्प्ट कर रहा है। फिर जिया कुछ देर में कहती है कि मेरा अकाउंट भी लॉगिन नहीं है। लॉगिन हो ही नहीं रहा था, पता है, मतलब लग रहा था कि हार्ट फेल हो जाएगा मेरा। हम क्रियांश पता है मोबाइल में कार्टून देख रहा था, आया कोड, बोले ये क्या आया, फिर आया आपको दिखाने, फिर अपना फेसबुक लॉगिन करके देखे तो लॉगिन ही नहीं हो रहा। फाइनली भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया था कि हमारा अकाउंट बच गया, नहीं तो कोई हैक करके भाग जाता। भी हे क्रियांश, तुम कार्टून देखते रह जाते अपने मोबाइल में। ओए होए होए होए, क्या कर रहा है भैया तू? बाबा ने चौबी तरह बच गए लिया लैपटॉप में बाबे सब जगह इसके बाबा। हे क्रियांश, क्रियांश क्या कर रहे हैं आप? बहुत बिजी रहता हूँ मैं। कमेंट कर रही थी, आप लोग झूठ का कहते हैं क्रियांश बदमाश है। क्रियांश कितना काम करता है, आप लोग कितना काम करवाते हैं इससे, हर हमेशा बिजी रहता है क्रियांश अपने में। Three hours later. तो आज दीदी हमारे लिए बना रही है नमकीन, जो कि बहुत बहुत पसंद है हमें। तो दीदी को हमने बोला था दीदी बना दीजिएगा, तो दीदी बोली थी हाँ बना देंगे। तो आज दीदी बना रही है। इतना काम हो चुका है हमारा, और ये सारा कुछ हम लोग हटा देते हैं। अभी हमने पूरा झाड़ उड़ के एकदम खिड़की उड़की को भी पूरा साफ करके तब बेड बिछा देंगे, क्योंकि सोना तो हमको यही होगा। और इधर पूरा काम चल रहा है, इतना तो हो गया है, ऊपर भी सब कुछ हटाना पड़ेगा हमको कल। ऊपर भी भैया काम करेंगे और यहाँ पे होता है हमारा काम, तो देख सकते क्या हाल है अभी फिलहाल। और इधर पति देव कर रहे हैं अपना काम। सबको एक कमेंट करता है कि आप ये जो है अपना सेविंग करवा लीजिए, लेकिन आप सुनते नहीं। अच्छा होता क्या है जी, बस सुबह नहीं उठ पाते हैं, और सुबह जब उठते हैं तब तक अच्छा खासा समय हो जाता है और भीड़ लग जाती है सैलून पर, इसकी वजह से हम जा नहीं पाते हैं, क्योंकि समय लगेगा बहुत ज्यादा। बिल्कुल, और शाम में जो है समय मिलता ही नहीं है। सही बात, क्योंकि शाम में हमारा काम रहता है बहुत ज्यादा। अभी हो रही है एकदम मस्त वाली बारिश, जो की मैं दिखाती हूँ आपको, देख सकते है आप। अंधेरा है पूरा। उधर है हमारी गाय माता, जिनको हम रोज रोटी खिलाते हैं। और आपने टिकट ले लिया? नहीं, तो ले लीजिए जल्दी से टिकट, क्योंकि बाद में टिकट फिर आपको मिलेगा नहीं। और क्रियांश बेटा हमारा सो गया, दिन भर इतनी सैदानी की उसने, इतनी सैदानी की मतलब कह सकते हैं पूरे परेशान थे हम लोग। अच्छा है कि अभी सो गया है, और अभी मुश्किल से लगता है डेढ़ दो घंटा सोएगा, फिर उठ जाएगा, फिर दो तीन घंटा खेलेगा, फिर हम लोग के सोने के समय सोएगा, ये अच्छी बात रहेगी। सो जाएगा, फिर जब हम लोग जब नींद पड़ जाएंगे तो फिर उठ जाएगा। स्पेशली जब हम सो जाते उठ ही जाता है वो। दीदी कैसे काटूं? हम कैसे सही बनाते हैं ये मोटा वाला, पतला वाला भी आता है वो जो पूरी सब दिन का, वो भी ज्यादा अच्छा लगता है। बस क्रंची होना चाहिए, चाहे जैसे भी बनाए आप, बस क्रंची होना चाहिए, है ना। हमारा बन चुका है, ये देख सकते हैं यहाँ तो कुछ बन रहा है और कुछ हमारा बनकर हो गया है तैयार। तो चलते हैं पतिदेव को देने के लिए, क्योंकि वो इंतजार ही कर रहे होंगे कब बने और कब हम खाएं, है ना। आप तो बहुत अच्छे जानते हैं कैसा बन। तो चलते हैं फिलहाल, ये हो गया बनकर तैयार। अच्छा बढ़िया, आप तो इंतजार कर रहे होंगे कब बने और कब हम खाएं। डैडी को भी देते सबको, बहुत बहुत अच्छा बना है, नीचे सबको देते हैं थोड़ा थोड़ा। बारिश में अच्छा लग रहा है आपको, लाइट भी चली गई। हाँ अच्छा लग रहा है दादी की शाद, ये कैसे वो बजा रहा है, कैसे वो बजा रहा है। आज कैमरा ले लिया, ऐसे टिप टिप करके ऑन करे, ऐसे रिकॉर्ड करे, भी बंद कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है जी। बाबा बाबा, आप क्या कहिएगा, खुद ही कहेगा बाबा बाबा, कैसे कर रहे हो भैया। और इधर हमारी गाय माता आ गई है। हेलो प्रियांश, हाँ गैया क्या झोल के करता है।